Good morning, student. Yes, it's on the other end. Now, today we will start new chapter, chapter number 5, in standard 6, mathematics. Student, fraction. Fractions means the part of, equal part of the any objects, right? Yani, koi bhi other figures hai, uske andar equal parts kare, to fraction kaha jata hai, like this. Ye jo ek circle hai. It's one total, यानी कि ये पूरा वॉल है. इसके बाद उसके दो पार्ट करें, ऊपर एक पार्ट. तो it's all about one upon two, यानी कि one upon two. इसके three हम equal parts करेंगे, right? तो it's called one three one third. And अगर हम four equal parts करें इस तरह से, so it's called one upon four. तो ये है fractions. तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 upon 7, right? तो ये है दो fractions है, यानी जो दो digit दिए गए हैं fraction में, उसका first वाला जो digit है, उसे कहते हैं numerator, which one? Numerator, and जो नीचे वाले digit है, उसे हम कहते हैं denominator. यानी कि numerator और denominator का fraction क्या होता है? नेक्स्ट है फ्रैक्शन का नंबर नाइन. नंबर नाइन के अगर हमें फ्रैक्शन बतानी है तो किस तरह से बताएंगे? सो लुक दैट, ये नंबर लाइन है. आपको नंबर नाइन स्टैंडर्ड फिफ्थ में दिया है. नंबर नाइन पर अगर हमें फोर सेवन करना है तो आपको बताएंगे तो जो ये नंबर्स है फ्रैक्शन वाले वो किस तरह से नंबर लाइन पे आएंगे? तो एक तो नंबर लाइन आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स वाली जो हमने पहले देखी, जीरो के जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड, ये है सब नेगेटिव इंटीजर्स और ये होंगे सब पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे. फोर अपॉन सेवन यानी टोटल कितना है? सेवन. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन ऐसे दिया गया. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन जहाँ पे हम एक दिया है. अब हमें फोर्थ अपॉन सेवन नंबर लाइन लेना है तो हमें यहाँ से वन टू थ्री एंड फोर है तो ये आएगा फोर अपॉन सेवन. इस तरह से हमें नंबर लाइन के सारे के सारे फ्रैक्शन को हमें बताना है, राइट? नाउ नेक्स्ट वन, हाउ टू राइट द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को हम किस तरह से राइट कर सकते हैं? तो देखिए, फर्स्ट है वन अपॉन टू. तो वन अपॉन टू को हम क्या लिखेंगे? तो वन एंड हाफ. क्या लिख सकते हैं? वन एंड हाफ, राइट? सेकंड है टू अपॉन थ्री. 2 upon 3 को तो हम जो normally हम number लिखते हैं 2 thirds, इस तरह से हम लिखेंगे second value को 2 thirds, right? 2 thirds. Then 1 upon 4, 1 upon 4 है वो एक quarter, यानी कि totally 1 quarter, यानी कि 1 fourth लिख सकते हैं और 1 quarter, 1 quarter भी हम इसे लिख सकते हैं. या तो हम इसको वन फोर ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं. वन फोर को थ्री फिफ्थ, इसको हम लिखेंगे थ्री फिफ्थ एंड लास्ट फाइव एट. तो फर्स्ट वाला आएगा वो फाइव, नीचे वाला रुका हुआ है राइट. तो इस तरह से हम सारे के सारे फ्रैक्शन को लिख सकते हैं. न्यूमेरेटर डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर दिए गए हैं आपको. एग्जाम्पल के तौर पर आपकी एक्सरसाइज में आया है कि न्यूमरेटर है 4 और डेनोमिनेटर है 7, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे फ्रैक्शन को? 4 अपॉन 7 इस तरह से. ओके, इसके बाद कुछ आगे वाली एक्सरसाइज है उसमें आपको फाइंड द नंबर ऑफ दिया गया है. तो इसमें अगर 3 अपॉन 4 तो फिर 12 है और अगर हम फाइंड करना है किस तरह से करेंगे तो 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई करना है 12. 4 के टेबल में 12 का मतलब है 4 से ज्यादा उसी तरह से. तो ये जो पार्ट है उसमें
इसमें से वन गिना अभी सेकेंड, तो इसको हम आंसर लिखेंगे वन फोर्थ में लेंगे थ्री फोर्थ, यानी कि फोर है और उसमें से थ्री कट गया इस तरह से। देन देखिए टोटल टाइम का दूसरे में कितने हैं, ये टाइम का आपको भी आ गया है इसमें से, ये वन बार डिजिटल हो गया वन टू थ्री फोर यानी वन अपॉन फोर। ओके वन अपॉन फोर को हम अगर लाइस टर्म्स में वन अपॉन टू आ सकता है, यानी दोनों आंसर हमारे राइट रहेंगे। इस तरह से थर्ड बार आएगा आंसर टू अपॉन थ्री, जो थर्ड बार आपको सेट्स दिया गया उसमें फोर्थ वाला सेट से वो टोटल आप दीजिए, टोटल 10 है उसमें से 3 इज कलर, तो 3 अपॉन 10। जो फिफ्थ वाला आपको दिया गया है टेक्स्ट में उसमें टोटल आप काउंट कीजिए हाउ मेनी सर्कल आता है ट्रायंगल सर है, सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, हाउ मेनी क्वाड्रेंट देयर इज 4, सो आंसर इज 4 अपॉन 9 वाला था। एंड 6 जो आपको एक फ्लावर्स दिया गया है, फ्लावर मैंने देखे टोटल पार्ट्स कितने हैं फ्लावर्स के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और कलर है 3, यानी 6 का आंसर आएगा 3 अपॉन 3। ओके तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 के जो सेट सेट सेट्स दिए गए आपके टेक्सटबुक में एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1 ये इसके आंसर्स है एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1। ओके नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको दिया गया है ना, हां शेयर ऑफ 4/9 यानी एक 9 बॉक्स वाला आपको जो पार्ट से हो गया है उसमें क्वेश्चन है कि से 4 अपॉन 9 का मान तो इसमें आप कोई भी 4 है वो आपको सेट कर देने हैं कोई भी 4 आप। ओके ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर वी से द सेट रीजन 1 अपॉन 4 ऐसा है आपको फिगर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह से राइट, इसमें से लिखा है कि 1 अपॉन 4 है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या सेट दिया गया हो तो वो इक्वली होना चाहिए, ये है कि सेट से वो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को कभी भी हम फोर्थ पार्ट में इक्वली हम नहीं कर सकते राइट, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा रेक्टेंगल इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे रेक्टेंगल इज नॉट डिवाइडेड not divided by 4 equal parts right, so rectangle है वो कभी भी 4 equal parts में, यहाँ पे जो rectangle आपको दिया गया है उसमें 1 है वो set है लेकिन ये rectangle है ये जो parts है वो larger है किस parts से, इसलिए it's not possible। okay तो ये है question number 3, now question number 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो फ्रैक्शन दिए गए उसके आंसर लिखते हैं, फर्स्ट वाला है 3/4, ओके 3/4 का आंसर कैसे लिखेंगे, ऊपर 3 नीचे 4 यानी कि 3/4, सेकंड है 4/7 तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं राइट, ये है क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने दो करवाए हैं एग्जाम करने पर के ऐसे कैसे कुछ नीचे दूसरे दिए गए हैं उनको भी आपको इसी तरह से डिजिट लिखना है 3 4 7 इस तरह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो, यानी कि नीचे कुछ ऐसे फ्रैक्शन दिए गए 4 अपॉन 9 इसके हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करने हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, तो आपको अगर न्यूमरेटर लिखना है तो ऊपर का डिजिट है वो क्या आएगा न्यूमरेटर
न्यूमरेटर इक्वल टू 4, डेनोमिनेटर कितना है 9, सो डेनोमिनेटर इक्वल टू 9, यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर इस तरह से लिखे हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चंस करवा देता हूं, लास्ट वाला है 5 वाला, 5 1, तो न्यूमरेटर कितना रहेगा इसमें 5 और डेनोमिनेटर 1। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना है, सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपको दिए गए उस। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको फाइंड करने हैं आंसर्स, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज इक्वली टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? इसमें आपको फाइंड करने हैं कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिए गए हैं, लेकिन आपको फ्रैक्शन सीखना है, राइट। तो फर्स्ट वाला है, देखिए आप, न्यूमरेटर इक्वल 3 एंड डिनोमिनेटर इज 8, डिनोमिनेटर इज 8, हम आंसर लिखेंगे 3/8। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 के सारे के सारे आंसर सीखने हैं। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको अच्छी तरह से इजी क्वेश्चन से इसलिए आ जाएंगे, अच्छी तरह से आपको आंसर सीखने हैं। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज राइट डाउन फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रैक्शनल नंबर हमें लिखने हैं, फर्स्ट वाला दिया गया है 2/3, तो इसको हमें वर्ड में लिखना है। 2/3 हम किस तरह से वर्ड में लिखेंगे उसके बारे में आपको वर्ड में लिखना होगा। तो देखिए 2/3 है तो हम किस तरह से लिखेंगे, TWO THIRDS, 2/3, राइट। इसके बाद 4/9, इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, तो 4/9, N-I-N-E-S, 9, यानी कि इस तरह से आपको सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 7 के राइट करने हैं। 2/3, 4/9, लास्ट वाला है 6/15, लास्ट वाला करवा देना है 11, पीछे चला देना है लास्ट में, जैसे कि 5/11 है तो 5/11, THS लास्ट में सबको लगाना है। अगर कोई भी लास्ट वाला लिखे थे 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12, इस तरह के आपको आंसर फाइंड करने हैं, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है आपको, तो उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जैसे कुछ क्वेश्चन 6 और 7 में दिए गए हैं, और वो आए वर्ड टू वर्ड में, यानी वन मार्क क्वेश्चंस में वो आ सकते हैं। ये हमें स्टैंडर्ड जो हमारा था फिफ्थ वाला, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, कौन से न्यूमरेटर से कौन से डिनोमिनेटर है। ये कुछ एग्जांपल के तौर पर मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, लेकिन आपको पूरे पूरे एक्सरसाइज के सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके स्टडी में करने होंगे। हां, तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया गया है व्हाट फ्रैक्शन एंड फॉर, तो वन फॉर भी डिफिनेट हो गया है, वन फॉर से भी एक घंटे में 60 मिनट, राइट। वन आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, सो व्हाट फ्रैक्शन इन अ 24 आवर्स, तो 24 आवर इक्वल टू 24 अपॉन 60, ये आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर 2 एंड 10, 2 एंड 10 के बीच में नेचुरल नंबर कितने हैं, 2 to 10 का टोटल नंबर हुए 9, इसमें से नेचुरल नंबर अगर फाइंड करने हैं तो कौन कौन से होंगे, 4, 6, 8 and 10, ओके 4, 6, 8 and 10, तो हमें आंसर लिखना होगा 4 इज द नेचुरल नंबर आउट ऑफ 9, ये है आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 4/9। नाउ द नेक्स्ट वन ग्रेटर मैन, यानी कि जो व्हाट प्रॉब्लम टाइप जो सॉल्व करने के क्वेश्चन सॉल्व करने के आंसर आते हैं फ्रैक्शन में, उस तरह का है क्वेश्चन नंबर 10, तो उसको हम फाइंड करेंगे किस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमें आंसर लेना है। लुक एट दैट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द क्वेश्चन,
फर्स्ट वन टू थ्री और 15, तो हमें क्या करना है, टू थ्री मल्टीपल बाय 15, थ्री इलेवन में 15 कब आएंगे, थ्री फाइव का 15, टू फाइव का 10 आंसर फर्स्ट वन का। इसके बाद सेकंड वन दिया गया है आपको 2327, टू थ्री ऑफ 27, थ्री नाइन का 27, टू नाइन का 18 इज द आंसर। देन द थर्ड वन इज देयर 2, 3 of 36 balloon, 12 is the 36, multiple by 2, 2 multiple by 3 into 36, इसको अगर हमें यहाँ पर प्रश्न सुने, माइनस कर सकते हैं, 2 by 24, तो इस तरह से हमें आंसर्स का निकालना है क्वेश्चन नंबर 10 के। देन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको किस तरह से करना है, सॉरी ये था क्वेश्चन नंबर 10, आप आइडिया हो क्वेश्चन नंबर 10, उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 11 में भी करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन थ्री क्वेश्चंस दिए गए हैं, फर्स्ट वन 3 4 मल्टीपल बाय ऑफ में इधर 16, सेकंड वन है 3 4 मल्टीपल बाय 20, थर्ड वन है 3 4 मल्टीपल बाय 32, यानी वन टोटल टाइम में सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम इस तरह से फाइंड करने हैं, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 और 7 जा 28, 3 7 जा 29 एंड 4 जा 32, 3 जा 28, ये सारे सारे फाइंड होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 होंगे, इस तरह से आंसर फाइंड होंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ ऑन क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसके आंसर फाइंड करने हैं, राइट। नंबर वन क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट प्रॉब्लम दैट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जो जिस तरह से हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन, लेलम हैज 25 पेंसिल्स, सी गिव्स 1.4 ऑफ द टेन मीन, यानी टोटल पेंसिल्स है 25, हाउ मच टोटल पेंसिल इक्वल टू 25, इसने मीना को कितनी दे दी, 4 अपॉन 5 उसने मीना को दे दी। इसके बाद है हाउ मेनी पेंसिल डस मीना गेट, मीना को कितनी पेंसिल मिली, हाउ मेनी पेंसिल आर लेफ्ट विद नीलम, तो पहले हमें मीना का फाइंड करना है, मीना को कितनी पेंसिल मिली होगी, तो हम फाइंड करेंगे 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 20 पेंसिल मीना को मिली, ठीक है मीना, लेकिन कितनी पेंसिल लेफ्ट बाद में वो भी हमें फाइंड करना है, नीलम के पास कितनी पेंसिल, टोटल पेंसिल है 25, उसने से 20 उसने मीना को दे दी, हाउ मेनी है 5 पेंसिल, आंसर आएगा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का। नाउ मोर क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कुछ नंबर आया वाला क्वेश्चन है, मैंने पहले ही आपको सॉल्व कर दिया, नंबर 3 अपॉन 8, 3 अपॉन 8 आपको इस तरह से नंबर लाइन में लिखना है, तो देखिए आपको ऐसे नंबर लाइन बना लेनी है, स्केल की यूज से यहां पे 0, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के आप निशान लगा दीजिए और ये हो गया आपका 3 अपॉन 8, ओके 3 अपॉन 8 में टोटल 8 हुआ, इसके बाद आपको 1 2 3 3 अपॉन 8 इस तरह से आपको 1/4 फिर 4.7 2/5 इस तरह के पूरे पूरे आपको नंबर लाइन में इसी तरह से आपको बतानी है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये अच्छी तरह से एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 टू 13 ये आपको मैथ्स के एचटीएमएल के बुक में भरने हैं, ओके, तो प्लीज डोंट हैव टू रीड योर होमवर्क, आई थिंक आप होमवर्क टेक कर लीजिए, एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1 टू 13।
ये सारे एसआईएल क्वेश्चन से वो आपको आज के लेक्चर में करनी है। तो अभी आप घर रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से होमवर्क कीजिए। होमवर्क करने के बाद उसका फोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर भेज दीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।